ये साइंस का टावर T2 है और रहना तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें जो है 1.5 साल का समय मिलेगा आपको, 1.5 साल में यूनिट मिल जाएगी आपको, ये पूरा कंप्लीट टावर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल लीजिए कि जो मैंने आपसे कहा था कि पूरे फैजाबाद रोड का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर में सबसे बड़ी, मतलब उसके रूम साइजेस काफ़ी बड़े हैं, ड्राइंग डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है 3 BHK। 3 BHK को एंटर करेंगे, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करिए, ये इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, ये काफ़ी बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, अगर आप काउंट कर लीजिएगा तो ये ऑलमोस्ट 24 बाई 16 साढ़े 16 का है ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया। इसके साथ में ये किचन, किचन का साइज देख लीजिए, ठीक है, काफी बड़ा किचन भी है। एक रूम वो हो गया, दूसरा रूम ये है और तीसरा रूम ये है, ठीक है। चलिए एक एक रूम में एंटर करते हैं, लेकिन रूम का साइज भी देखिएगा, जिसके लिए पर्पजली मैं आपके पास आया हूं। ये देखिए रूम का साइज देखिए, ये बालकनी, ठीक है, कबर्ड स्पेस है और ये ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग के साथ के अंदर में एक बाथरूम एरिया भी है। ये देखिए, आइए दूसरे वाले रूम में चलते हैं, इस रूम का भी साइज देखिए। मैंने आपसे कहा ना कि पूरे फैजाबाद रोड के अंदर में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट यूनिट नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का। ये कवर्ड स्पेस हो गया और ये इसका बाथरूम है। देखिए ज्यादातर हम अपने घर में रहते हैं ना, तो घर में रहने वाला स्पेस हमें ऐसा होना चाहिए एकदम खूब आराम से रह पाएं, खूब खुले से रह पाएं, हर रूम का साइज काफी बड़ा हो, कहीं कंजेस्टेड फील ना हो। और ये देखिए तीसरा बेडरूम, वाह, ये देखिए स्पेस है, ये आपका बालकनी है, हर रूम के साथ आपने बालकनी आपको दिख रही है, ये इसके साथ बड़ा कवर्ड एरिया है, ये देखिए कितना, कहीं स्टोरेज है कहीं किसी जगह पे, प्लस ये एक इसका बाथरूम। ये इसका टावर T3 है और इसका जो है पोजीशन हो चुका है, लोग यहाँ पे रहते हैं, करीब 25 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। अब देखिए क्वालिटी ऑफ वो देखिएगा, ये इसके लिफ्ट है, ठीक है, और पीपल रिक्वेस्ट कि भाई वो बंद वाली न लगाइए, काफ़ी लोग बुजुर्ग भी आते हैं, तो ये लिफ्ट है इसका। और ये स्टेयर देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पूरे फैजाबाद रोड पे कभी भी ऐसा स्टेयर कहीं किसी भी अपार्टमेंट में मिल जाए तो देखिए, ठीक, छोटे छोटे स्टेप्स और इसकी चौड़ाई देख लीजिए कितना ज़्यादा है। ये लॉबी एरिया है इसका, इसमें 3 फ्लैट है, लॉबी एरिया हो गया। इस अपार्टमेंट में एक खास बात और है, ये पूरे लखनऊ के अंदर में एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें इंडोर स्विमिंग पूल है, मतलब अकेला अपार्टमेंट ऐसा है जिसमें इंडोर स्विमिंग पूल है और ये चेंजिंग रूम है मेल फीमेल का। ये इसका जिम एरिया, काफी बड़ा सा, एक बंद है इस समय, लेकिन एल शेप का काफी बड़ा सा, करीब 500 स्क्वायर फीट का ये आपका कॉमन एरिया है, जहाँ पे अपने बच्चे का बर्थडे वगैरह सभी लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन कोई त्यौहार होता है वही लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रेड अंडा सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल मिल जाती हैं आपको, काफ़ी लोग रहते हैं इस जगह पे जो। और ये बाहर का ग्रीनरी आप देखिए, जो पेड़ लगे हुए हैं, कवर्ड है पूरा।